स्टूडेंट्स वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 2 उचित न्याय। तो बेटा चैप्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। उचित न्याय यानी जो है सही तरीके से किया हुआ न्याय, उचित न्याय इसके अंदर है, जिसमें दो निष्पक्ष न्याय किया हुआ है। तो ये जो है पाठ हम रीड करेंगे और इस पाठ में एक कविता नाम की बुढ़िया है और उसे बकरी पालने का शौक है और जो है उसकी बकरी कहीं खो गई है। बहुत सुंदर बकरी थी उसके पास और उसकी बकरी किसी ने ले ली, चुरा ली और जो है उसे अपनी बकरी वहाँ चरवाहे के पास दिखी। तो वो मुखिया के पास गई कि उसने मेरी बकरी, उसके पास है मेरी बकरी। और जो मुखिया ने निष्पक्ष न्याय किया है इसके अंदर, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो हमें जो है कभी भी किसी दूसरे की चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंत में हमारा जो है हमें जो फल मिलता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है और जो है निंदा से भरा होता है। तो बेटा हमें कभी भी किसी और की वस्तु का मोह नहीं करना चाहिए। दूसरों की वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करना गलत बात है, क्योंकि लालच का फल सदैव कष्टदायी तथा निंदा से भरा होता है। अर्थात हमें अपनी और दूसरों की वस्तुओं को लेकर हमेशा ईमानदार होना चाहिए, इससे जीवन सुख से परिपूर्ण होता है। एक गांव में कविता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसे बकरी पालने का बहुत शौक था। एक मेले में गई। वहाँ उसने एक सुंदर बकरी देखी। बेटा क्या देखी? वहाँ उसने क्या देखी? एक सुंदर बकरी। उसे क्या पालने का शौक था? बकरी पालने का शौक था। एक गांव में कौन रहती थी? कविता नाम की एक बुढ़िया। तो बुढ़िया रहती थी। तो बेटा अंडरलाइन क्यों करना? इनको इंटरनल क्वेश्चनों को आपको अंडरलाइन करना, खुद से क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर आपको चैप्टर के अंदर से ही लर्न करने, तो अंडरलाइन करना है इनको। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे, सारे क्वेश्चन नोटबुक में हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमें जो है इंटरनल क्वेश्चन आंसर को खुद से अंडरलाइन करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बन रहे हैं। तो बुढ़िया की बकरी कैसी थी? सुंदर थी। वह उसे मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाई मेले में से। कुछ समय बाद एक रात उसकी बकरी गायब हो गई। उसने गांव का कोना कोना छान मारा मगर उसकी बकरी नहीं मिल पाई। अब वह बुढ़िया परेशान होने लगी। उसने अपने मन में सोचा, क्यों न आसपास के गांव में बकरी को ढूंढा जाए। यह सोचकर बुढ़िया गांव में बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। गांव में पहुंचकर लोगों से बकरी के बारे में पूछा। तो गांव में पहुंचकर किसके बारे में पूछा? बकरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन बन रहा है बेटा, अंडरलाइन कर लेना इसको। अब बेटा देखो, आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। एक गांव के चरवाहे, चरवाहा क्या होता है? बकरी चराने वाला, चुराने वाला नहीं, भेड़ बकरी चराने वाला, मतलब खेतों में चरा के लाना, उसको चारा खिला के लाना, इसको बोलते चराना। तो चराने वाला होता है चरवाहा। चरवाहे के पास पास उसे अपनी बकरी दिखाई दे गई। वह चरवाहे के पास गई और उससे अपनी बकरी मांगी, लेकिन चरवाहे ने बकरी देने से साफ इनकार कर दिया और बोला, वह बकरी तो मेरी है, इसे मैं भला आपको कैसे दे सकता हूँ। मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने कहा, बैठो अभी न्याय हो जाता है। उसने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी। फिर चरवाहे से पूछा, तुम्हारी यह बकरी किस आंख से कानी है? मुखिया ने जो है बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी और चरवाहे से पूछा कि तुम्हारी यह बकरी किस आंख से कानी। देखो बेटा, ये बुढ़िया है, ये चरवाहा और ये मुखिया, और ये बकरी की आंख पे पट्टी बांधी है।
और बकरी कानी नहीं थी, वैसे ही बांधी उसको सच उगलवाने के लिए उससे। तो यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए। किसी तरह संभल कर उसने जवाब दिया, बाई आँख से। भाई अब वो कैसे बताए, उसे पता ही नहीं था किस आँख से कानी, लेकिन कानी थी ही नहीं बकरी। झूठ, मुखिया ने कहा झूठ। मुखिया ने डांटते हुए कहा, जी गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरा लिखा हुआ बेटा इसमें मेरी आएगा, मेरी बकरी दाई आँख से कानी है। मुखिया ने बकरी की आंखों पर से बंधी पट्टी हटवा दी। सब ने देखा कि बकरी की दोनों आंखें बिल्कुल सही हैं, चरवाहे की चोरी पकड़ी गई और बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापिस मिल गई। आप देखो बेटा इस पार्ट से आपको जो है मुखिया ने निष्पक्ष न्याय किया और जो है चरवाहे को उसकी बकरी वापिस, बुढ़िया को उसकी बकरी वापिस मिल गई, चरवाहे से वापिस मिल गई। तो बेटा हमें भी निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा ईमानदार रहना चाहिए, हमें दूसरों की चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और जो है हमें मुखिया की तरह ही न्याय करना, उचित न्याय करना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का शीर्षक है उचित न्याय। तो बेटा ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो बेटा इस चैप्टर को आपको 2 times जो है रीड करना है और अच्छे से जो है इस पाठ की जो शिक्षा को अपनाना है अपने जीवन के अंदर। ओके बेटा, धन्यवाद।